हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं कुछ बेसिक सवाल हम लिख रखे हैं जो एक एक करके आपको बताया जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि पहला सवाल कैसे है। ये फिलहाल ऐसा हम कह सकते हैं किसी टॉपिक का या किसी क्लास का सवाल नहीं है, सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जिस क्लास में पढ़ रहा हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत सही है मैथ का और बेसिक सवाल है। इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कहीं यहां मान लीजिए कोई अंक x लिखा है और यहां पर पावर 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये लिखा है कि x का पावर 1/3 लिखा है। क्या लिखा है? 1/3। अब यदि यहां 4 लिखा होगा तो 1/4 हो जाएगा और 5 होगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका इसका है। ठीक है, अब पहला सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद सवाल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। दे रखा है 32+16 और यहां करने का घात 3 है +54। इनको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका अंदर अंदर फैक्टर कर देते हैं। क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे गुणनखंड। तो 32 को हम यहां देख रहे हैं कि यहां जब कुछ ना हो तब 2 माना था कि इसका पावर 2 होगा। तो 32 को 4 × 4 × 2 लिख सकता हूं। 4 × 16 × 32। यहां हम इसको 3 लिखेंगे। अब इसको चाहे तो 4 × 4 लिख दें, लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहां हमें 3 जोड़ा चाहिए, 3 लोगों का जोड़ा चाहिए और है कितना? 16। तो इसको हम 2 में तोड़ेंगे, 2 × 4 × 8 × 16। फिर 54 को क्या लिखेंगे? 3 × 9 × 27 × 54। 27 × 54। अब यार कुछ नहीं तो 2 का जोड़ा बाहर लाएंगे तो 4√2 आ जाएगा। यहां 3 है तो 3 का जोड़ा बाहर लाएंगे, एक बार बचा जो √2 उसी में हम यहां क्यूब लगा देंगे। यहां 3 है तो 3 को बाहर लाएंगे और जो 2 बचेगा उसी पर हम यहां क्यूब लगा देंगे। अब आप लोग की इच्छा करे हुई जोड़ दें, 4√2 और 2 और 3, 3 × 2 = 5, 4 × 9√2, जो कि आपकी इच्छा है पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? सुनो, यहां जो 2 है वो लिखा है घनमूल, क्यूबिक रूट, और यहां क्या लिखा है? वर्गमूल। तो आप उसको ऐसे रखिए, 3 × 5 और हम इसको जोड़ेंगे। अब ये इसमें नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहां 2 का पावर 1/2 लिखा है और यहां 2 का पावर 1/3 लिखा है। अंक में जब सजातीय पद होते हैं तभी जुड़ते हैं, वरना नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका यही छोड़ा जाएगा। आया समझ में? दूसरा देखिए, दे रखा है 15 × 9, यहां 3 दे रखा है, +20 + यहां 4 लिखा है और 32 दे रखा है। अब यहां 3 हम बोले इसको फैक्टर करना ही पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? देखो, 15 को लिखेंगे 5 × 3 और 9 को लिखेंगे 3 × 3, 20 को लिखेंगे 2 × 2 × 5 और 32 का यहां 4 है, मतलब इसको हम तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में, 2 × 4 × 8 × 16 × 32। यहां 3 है तो जोड़ा बनाएंगे, तो 3 को हम बाहर लाएंगे, बचा क्या? 5, लेकिन इस पर लगेगा घनमूल, यानी यहां भी त्रुटि नहीं लगेगा, आगे लगेगा, ये 3 बार आया है इसीलिए, और यहां लगने का मतलब बता रहा है कि इसका पावर 1/3 है। अभी समझा ले तब उतरना। ठीक है, प्लस यहां 2 को बाहर लाएंगे क्योंकि कुछ था ही नहीं, यहां 4 लोग को बाहर लाएंगे, 4 लोग की जगह 1 लोग आएंगे तो बचेगा 2 पावर 4। अब देखिए, यहां 3√5 और 2√5 दोनों क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे आपस में? जुड़ेंगे? हाँ, नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां घनमूल लगा है और यहां वर्गमूल लगा है। यहां करणी का घात 3 है, यहां करणी केवल है, उसका मतलब घात 2 ही कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोनों जो नहीं जुड़ेगा। अभी √2 कहीं होता तो ये √2 भी नहीं जुड़ पाता। क्यों? क्योंकि यहां 4 लग गया, इसका मतलब इसका पावर 1/4 लग गया। ठीक, तब आंसर क्या होगा? आंसर जो है वही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इतना ही आ जाएगा। आया समझ में? ओके, अगला सवाल देखते हैं।
तीन नंबर। सत्ताईस प्लस 125 प्लस 27। 27 को क्या करना है, हम चाहे तो इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 और 125 को लिखेंगे 5 × 5 × 5। फिर 27 को हम लिखेंगे 3 × 3 × यहां जब कुछ ना हो तो केवल दो लोग को ढूंढ के, जितना दो लोग है वहां केवल एक बार लिख देंगे और बचा क्या रूल 3। यहां 3 लिखा तो 3 लोग को बाहर लाएंगे तो 5 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहां पर 3 लिखा है, तीनों को बाहर लाएंगे तो 5 × 3 = 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस में इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये तो सिंपल सा बेसिक था, आया समझ में। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। रूट कितना है, 64 प्लस ये 64 करने घात 3 है और यहां 6। देखो यहां 2 माना जाता है तो हम इसको तोड़ेंगे 2 लोगों में, 8 × 8। यहां है 3, इसको मैं लिखूंगा 4 × 4 × 4 और यहां कितना है 6, इसको मैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 बार लिख दूंगा। अब यहां 2 बार 1 = 8 आ जाएगा, यहां 3 है 4 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 × 6 = 14 आंसर आ जाएगा। आया समझने, आसान है। चलिए ठीक है, मिटा रहे इसको, हटाए, नोट कर लेंगे आप लोग, समझ में आ ही गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सोलह करणी घात 3 × 8 प्लस √16 + √8। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, दोनों पद में अंतर बहुत बड़ा है। यहां 3 लगा है यानी इसका पावर 1/3 लिखा है और यहां इनका पावर 1/2 लिखा है, ठीक है। तो इनको हम ऐसा तोड़ेंगे, चाहो तो इनको एक घात में कर लो, तो ऐसा लिख दीजिए 16 × 8 लिख सकते हो और इसको 16 × 8 लिख सकते हो। अब यहां 3 है तो मतलब 3 जोड़ा बनाना, तो 16 को लिखेंगे 4 × 4 और 8 को लिखेंगे 4 × 2। यहां के लिखेंगे 8 × 2 × 8। 3 है तो 3 लोग का जोड़ा बनाकर एक बार आ जाएगा, बचा 2 और यहां 3 है तो 3 ही रह जाएगा। यहां 2 लोग का जोड़ा बनेगा, 8 आ जाएगा और बचा क्या √2। अब आप चाहे कि 8 × 4 = 12 √2 तो नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है 1/3 है और इसका पावर 1/2 है, इसीलिए नहीं जुड़ पाएगा। आया समझ में। सवाल नंबर 6 देखो, √25 × √8 प्लस 16 प्लस 81। देखो 25 को हम लिखेंगे 5 × 5 और 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2। 16 यहां 3 लगा है मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तो 2 × 2 × 2 × 2 और 81 में भी 3 लगा है यानी 3 × 9 × 27 × 81। यहां 5 बाहर आ गया और यहां 2 आ गया, बचा क्या √2, ऐसे छाप दो। यहां 3 लगा है बाबू यानी 3 लोग को ही ढूंढना पड़ेगा, तो 1 बार आएगा और बचा क्या 2, यहां क्या लग गया क्यों। यहां देखो 3 है तो 3 लोग को बाहर लाएंगे तो बचा क्या 3 और यहां बचा √3। अब देखो 5 × 10 √2 आ गया, 2 करणी घात पावर 3 है और यहां 3 और यहां 3 है,
तो यहाँ और यहाँ अंतर समझ में आ रहा है क्या है ना, यहाँ मतलब ये तीन बार लिखा है और इसका मतलब ये हो गया कि इसका पावर ही पड़ा तीन है। आगे क्या जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ दो का पावर एक पड़ा तो यहाँ एक पड़ा तीन। आया समझ में? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7, बेसिक सवाल है बेटा, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग को। 24 यहां 3 लिख देंगे और यहां 1 लिखा है। अब 3 को तोड़ नहीं सकते तो इसको ऐसे रहने दो, लेकिन 24 को हम तोड़ सकते हैं बड़े प्यार से। 2 × 2 × 8 = 3। अच्छा यहां पावर 5 है ना, अरे तो अब 1 को हम चाहे जितनी बार गुणा कर ले कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब यहां 4 × 3 = 3+, यहां 2 को बाहर लाएंगे और बचेगा वही, और प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों पद समान है, जुड़ जाएगा 4 × 2 = 6 × 3 = 3+1, अब 1 नहीं जुड़ेगा। आया समझ में? इसको नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, 7वां हो गया, 8वां दे लीजिए। आठवां देखिए, लिखा है 6 × 5 = 32 + 1 लिखा है। अब देखो ये 1 का पावर 1/6 लिखा है, यानी 1 का पावर 1/6। अब किसी भी संख्या का हम घात कितना भी कर दें, यदि 1 का घात कुछ भी होगा तो 1 ही तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो ये लिखा है 32 को तोड़ना पड़ेगा। अब ये 5 लिखा है, यानी 5 बार तोड़ेंगे, तो 2 × 2 + 1/6। अब ये 5 का 5, क्योंकि यहाँ 5 बना तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ 1 × 6 = 12 = 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान थे। सवाल नंबर 9 देख लीजिए, दे रखा है √8 + 1/√8 + √2। अब देखें यहाँ √8 का हम एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है इसको देखिए, यहां 1/1 कर लेंगे, यहां 1/1 कर लेंगे, 1 से हम इसको भाग करेंगे, भाग करने का जो आएगा उसी से गुणा कर देंगे, तो √8 को √8 से गुणा कर देंगे तो √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इनसे इनको भाग करेंगे बचेगा 1, 1 से 1 गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, इनसे करेंगे √8 और गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, √8 × 16। आया समझ में? रूट ये स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। बटा √8 को हम 2√2 ले सकते हैं, 8 × 4 = 12 = 13/√2 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सवाल नंबर 14, आखिरी सवाल, 14 × 1/3 − 3/9 + 3/8। इसको हम ले सकते हैं 14 + 1/3 − 1/3, और ये 3 लगाया यानी घनमूल कितना निकल कर आएगा, 2, इनसे ये कट गया, 14 × 2 = 16 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। जो सही में लिखा था इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। आया समझे? तो बस ये 10 सवाल का एक सीरीज था, जो कि 2020 सीरीज नंबर 5 रही होगी ये। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।